नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ऑफिस। दोस्तों अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो रिक्वायरमेंट सिंगापुर में एडमिन प्रोफाइल के लिए है। एडमिन बेसिकली इसमें कंबाइंड मिक्स प्रोफाइल है, हम कह सकते हैं इसमें अकाउंटेंट कम एडमिन कम एचआर, एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें कुछ काम अकाउंट का भी है, कुछ काम एडमिन का भी है, कुछ काम एचआर का भी है। अकाउंट का काम कैशियर, कैश हैंडलिंग, पेटी कैश, इनवॉइस, वेंडर से डीलिंग करना, एडमिन जो भी स्टेशनरी सामान कुछ भी इन आउट मिस आना जाना वो सब रिकॉर्ड रखना, एडमिन का जो एडमिन का पूरा काम होता है वो रहेगा। और कुछ काम एचआर का भी रहेगा जिसमें कुछ मीटिंग्स वगैरह लाइनअप करना और कुछ जो टाइम टू टाइम कुछ काम आता है उसके ऊपर काम करना होगा। मीन्स एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए, एक नहीं दो तीन लोग चाहिए, ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो इस मिक्स प्रोफाइल पर काम कर सकें, जिनको अकाउंटिंग का भी नॉलेज हो, एडमिन का भी नॉलेज हो, एचआर का भी नॉलेज हो। और इसमें कोई भी स्ट्रीम के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीम मतलब कि जो जिन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हो या एनी ग्रेजुएट हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको कैश हैंडलिंग, पेटी कैश या इनवॉइस के ऊपर काम करना आना चाहिए। ऑडिट में अकाउंटेंट को है सपोर्ट करना आना चाहिए, राइट। तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस अगर अकाउंटिंग में होगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अकाउंटिंग का एडमिन का रोल है, राइट। तो जो अकाउंटेंट होंगे ना, अकाउंटेंट को डेफिनेटली इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। सैलरी प्रोफाइल के हिसाब से बताई जाएगी। इसमें सैलरी लगभग 1500 से स्टार्ट होकर 3000 तक जाएगी, डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट के ऊपर। कैंडिडेट का जैसा प्रोफाइल होगा उसके हिसाब से उनके डॉक्यूमेंट आगे प्रोसेस किए जाएंगे और सैलरी उसी हिसाब से कन्फर्म की जाएगी। दोस्तों रिक्वायरमेंट सिर्फ दो लोगों की है और अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें हमें क्लोज करना है 28 अगस्त तक, 28 अगस्त तक हमें सबमिट करना होगा इसमें। और इसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन का काम अभी है, चालू है, दो तीन दिन चार दिन, मतलब हमारे पास सिर्फ 10-11 दिन का टाइम है। लेकिन जो लोग भी पहले अप्लाई करेंगे उनका क्लोजिंग हो जाएगा। सिर्फ दो वैकेंसी है अकाउंटेंट कम एडमिन के लिए। सैलरी डिसाइड की जाएगी उनके डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर, लेकिन रेंज रहेगी 1500 से लेकर 3000 के बीच में। वीजा की कैटेगरी, उनको एस पास वीजा मिलेगा, ड्यूटी आवर्स 8 घंटे का होगा, उसके ऊपर अगर काम होगा ओवरटाइम मिलेगा। इसमें फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस सब कंपनी की तरफ से फ्री मिलेगा। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 2 या 3 साल का होगा, 2 साल का होगा तो 1+1, 3 साल का होगा तो 1+1+1 होगा, और उसके बाद रिन्यूअल होगा। और परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मीन्स आगे चलकर उनका 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होगा, और उसके हिसाब से जो सिंगापुर में उनको बेसिक सैलरी मिलती है उसके हिसाब से मिलना चालू हो जाएगी। फिलहाल एंट्री के लिए देखा जाए तो 1500 से लेकर 3000 के बीच की सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है, और जो किसी भी प्रोफाइल के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर उनको बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है तो। इसमें अगर बाहर का एक्सपीरियंस होगा तो उनके प्रोफाइल पर और वेटेज रहेगा और उनका जो मिस सैलरी है वो बढ़ भी सकता है। दोस्तों ये वैकेंसी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।